हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर स्टेइंग स्ट्रांग एट योर होम. सो एज वी आर ऑलरेडी डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन, नाउ वी विल कंटिन्यू विद इट्स समथिंग टू नो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैव ऑप्शन ए इंक्रीज्ड, बी डिक्रीज्ड, सी डिसअपीयर्ड. सो वी ऑल नो कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई, उस वक्त 10 वर्कर्स का काम सिंगल मशीन करती थी. सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैव डिक्रीज्ड. नाउ नंबर टू, स्कैरसिटी ऑफ मिल्क डेवलप्ड ड्यू टू ऑप्शन ए लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, सी डिक्रीज इन डिमांड. सो द करेक्ट आंसर इज लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. क्योंकि जो एनिमल्स थे उनकी क्वालिटी लो हो गई थी, उनको जो फीड दी जाती थी दैट वॉज ऑल्सो ऑफ लो क्वालिटी. तो रिजल्ट ये हुआ था कि जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थी वही कम हो गई थी. नाउ थर्ड पार्ट इज द वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ए फूड ग्रेन, बी फिशरी एंड सी डायरी फार्मिंग. सो हमने पहले भी किया है, फूड ग्रेन से रिलेटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन, फिशरीज से रिलेटेड है सिल्वर रेवोल्यूशन, और जो वाइट रेवोल्यूशन है इट रिलेट्स विद द डायरी फार्मिंग. नाउ नंबर फोर, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ. क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो ह्यूमन बींग्स जो काम करते थे वो सारा काम जो है काफ़ी हद तक जो वर्कर्स लेबरर्स का काम है वो मशीन्स ने करना स्टार्ट कर लिया. सेकेंडली, पहले मेन डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशंस होते थे, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट जो ऑक्यूपेशंस का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया जब वुमेन ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर लिया. तो आप खुद पेंसिल से डी ऑप्शन लिख लेंगे अपनी बुक में एंड यू विल राइट बोथ ए एंड सी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट ब्लैंक इज द यूजेज ऑफ डैश इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशन. सो इट इज़ मशीन्स. मशीन्स के यूज़ ने जो है एग्रीकल्चर में, जब मशीन्स की यूज़ करना स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए ऑक्यूपेशन में. नाम नंबर टू, डैश क्रिएटेड अ नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद कंज्यूमर. सो इट वॉज डॉक्टर कुरियन हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. Now third is many dash suffered due to unequal treatment known as gender discrimination. So usually it is the women who used to suffer because of this unequal treatment which is called gender discrimination. Number four, white revolution involved many dash and non-professional. तो आपने ये पढ़ा है कि both professional and non-professional cooperated to succeed the white revolution. तो यहाँ पे it will be professional. And the fifth part is the profession of a dash is related with technology. So it is software engineer. Now part C, state whether true or false. So in true and false, the very first part is a blacksmith supplies tool to the farmer. ऑब्वियसली ब्लैक स्मिथ जो है जो लोहार होता है वही टूल्स बना करके फार्मर को देता है. सो इट इज़ ट्रू. नाउ नंबर टू, विलेजेस आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. येस इट इज़ ट्रू. जो विलेजेस होते थे या तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंड करते थे या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते थे. सो इट इज़ ट्रू. नाउ जो थर्ड पार्ट है वो है लो क्वालिटी फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल क्रिएटेड स्कारसिटी ऑफ मिल्क. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ फोर्थ, ट्यूबवेल डिगर्स आर इन ग्रेट डिमांड इन विलेजेस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. फिफ्थ इज अ रिक्शा पुलर इज अ प्रोफेशनल. नाउ दिस इज फॉल्स. रिक्शा पुलर प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं. Now let's do start with the question answers. Today we will do answer briefly and later on we will do the long question answers. So let's start with the first question.
mention two non agricultural occupation in rural area. So the two non agricultural occupations of rural areas are potter, kumhar jise kehte hain, and animal husbandry, that is rearing or taking care of animal for the business purpose. Question number 2, name two occupation that are common in urban areas. So answer is, occupation common in urban areas are pilot and teacher. Number 3, give one reason of low production of milk. So the answer is, the quality of animals and their feed were not very good. As a result, the production of milk was low. Now question number 4, mention three jobs that do not require any educational qualification. So the three jobs that do not require any educational qualification are vegetable sellers, ice cream vendors, or porter. Question number 5, do you consider any work inferior? Give one reason. No, we do not consider any work inferior, because all types of works are necessary in a society. No work is superior or inferior, and the work itself is a dignity. So this is all for today. Bye bye. Take care, everyone.